सुनने में आ रही थी हर रेस्टोरेंट में हर जगह बटर चिकन, तो सोचा मैं भी बना लूँ। तो आप लोग के साथ मैंने ये रेसिपी अपनी शेयर करी है, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ जो मैंने मसाले लिए हैं मैं आप लोग को बताती चलूँ। मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब ये तमाम मसाले हम इस चिकन में मसाला में मिला देंगे। और ये है हमारा लीमू का रस। तब ये हम सब इसमें ऐड करेंगे। आप देखिए अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी लीमू। अब ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अगर वेदर बिल्कुल ठंडा ठंडा है तो हम इसको बाहर रखेंगे, अगर वेदर गर्म होता है तो हम इसे फ्रिज में रखते, क्योंकि वेदर हमारा अभी ठंडा मौसम चल रहा है तो हम इसे बाहर ही मैरिनेट करेंगे। अगर इसको अगले दिन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मुझे तो अब ये आज ही बनानी है तो हम 1 घंटे का इसको मैरिनेट करेंगे। तो अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। या मैं अपने सारे मसाले आप लोग को बताती चलूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून लिया है मैंने चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है भुना हुआ, 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पे काली मिर्चें, 1 टीस्पून लिए कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लिए मैंने लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने रेड कश्मीरी मिर्च। ठीक है, ये मैंने लिया है दही, 6 टीस्पून लिया है मैंने, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून लिया है मैंने क्रीम, 1/2 लिया है मैंने बटर, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये हमारी चिकन है जो मैरिनेट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी हमने ये फ्राई पैन रख दिया है अपना। अब जो हमारी मैरिनेट चिकन हो चुकी है तो अब हम इसको इसमें इस तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें हमने ऑयल तो अपना डाला हुआ ही था पहले से ही, तो हम ऑयल ऐड नहीं करेंगे अपना। फ्राई करेंगे हम। Thank you.
चिकन हमारी फ्राई हो गई। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब हम ऐड करेंगे अपने मसाले जो हमने लिए थे। अब हम अपने सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। हमारी कढ़ाई में देखें तरी आ गई है। इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 6 टीस्पून, दही को खूब अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गई है हमारी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। अब हम ऐड कर देंगे अपनी फ्राई चिकन। तो अब हम इसमें हमने अपनी चिकन डाल दी है। देखिए चिकन में भी एक अच्छा जोश आ गया है। तो ये हमारी कढ़ाई थी इसलिए हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें और इसमें डालेंगे हम बटर। बटर को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। बटर डालने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रीम। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसको भुनने में ही, तो खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। चलिए मिलते हैं अब कुछ देर बाद।
माशाल्लाह हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, आप लोग देखिए बहुत तो प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से बटर की और क्रीम की। तो ये थी मेरी आज की बटर चिकन रेसिपी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चले चलती हूँ, मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।